Yeah, this is how it goes with the tourists. तो इस खूबसूरत मंदिर को देखो. Look at this. ये यार काफी मजेदार होने वाला है. तो गाइस आज मैं जा रहा हूँ इंडोनेशिया का सबसे खूबसूरत और ट्रेंडिंग वाटरफॉल को एक्सप्लोर करने. और यही नहीं, यहाँ के नज़ारे और यहाँ के लोग भी काफ़ी फ्रेंडली और खूबसूरत हैं. गुड मॉर्निंग दोस्तों, और आज हम जाने वाले हैं वाटरफॉल पर. खासकर मालांग का ये सबसे फेमस वाटरफॉल है. और फिलहाल मैं अपने दो दोस्त के साथ आया हूँ, जिसका ये जो सामने आप गाड़ी देख रहे हैं. और पूरा रास्ते हम हिंदी गाना सुनते आए हैं, बॉलीवुड के गाने. तो चलिए अभी फिलहाल ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद सीधा हम जाएंगे वाटरफॉल की ओर. फिलहाल मैंने लिए ये. यहाँ इंडोनेशिया में खाना के साथ इस टाइप की चिप्स खाना काफ़ी ज़रूरी है. तो चलिए खाना खाते हैं. तो वैसे आगे हैं टिम्बक सीव वाटरफॉल. तो ये है एंट्रेंस और यहाँ हमें टिकट काटना पड़ेगा. काफ़ी सारे लोग हैं यार, यहाँ देख सकते हैं. तो ये है हमारे दोस्त इंडोनेशिया के. आई एम सेइंग लाइक ही इज अ लोकल फ्रेंड फ्रॉम इंडोनेशिया. डोंट नीड टू पे. आई एम नेपालीस एंड दे डोंट नीड टू पे. आई हैव टू पे, बट आई एम अ ऑनेस्ट गाय. आई लुक लाइक देम बट आई पेड. अगर मैं इनकी तरह सीधा चला जाता तो मेरे को पे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी गया था पे करने. ईमानदारी जरूरी होता है. और फिलहाल हम जा रहे हैं वाटरफॉल के लिए. काफ़ी सारे टूरिस्ट हैं यार, मुझे लगता नहीं वहाँ अच्छा सा व्यू मिलने वाला है. काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पे. What it looks like dragon, right? No, this is dragon. It's different. The dragon is the Game of Thrones. Game of Thrones. Dragon egg. Looks like a dragon egg. Dragon egg. तो ये है दुकान, काफ़ी सारे shops. अब हम पहुँच गए हैं वाटरफॉल की तरफ. यहाँ से 700 मीटर की दूरी है. व्यू पॉइंट 20 मीटर. तो गाइस ये है पैरानोमिक व्यू और यहाँ से पूरा आपको दिखाई देता है. ये देखिए काफी खूबसूरत. और अभी वक्त हो गया है 9 बजे और आप देख सकते हैं कितने सारे लोग इस वाटरफॉल को एक्सप्लोर करने के लिए आते हैं. ऐसे मुश्किल से हालात से आ रहे सारे. और इस वाटरफॉल तक पहुंचना इतना आसान नहीं है, कभी कभी काफ़ी मुश्किल हो जाता है अगर दो आदमी को पास करना हो तो. और सबसे भयानक, ये पौड़ी लोहे का बना है और ज़्यादातर जंग लग चुका है. ये यार काफ़ी मज़ेदार होने वाला है. Look at this. वाटरफॉल की शुरुआत यहीं से हो चुका है. ऊपर से पूरे जंगल से चलते चलते हम आ चुके हैं इस जगह पे. और यहाँ से सामने एक छोटा सा केव वाटरफॉल है और यहाँ पे खाने पीने का हम जा रहे हैं वाटरफॉल की ओर. और ओ भाई, आई थिंक बिहाइंड यू कैन सी. वाओ, ये पहाड़ के पीछे ये वाटरफॉल है और यहाँ खाने पीने का है. अब हम वाटरफॉल की ओर जा रहे हैं. पता नहीं कैसा होगा. काफ़ी दृश्य देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंटेंस यार. तो गाइस जैसे ही हम वाटरफॉल के नज़दीक पहुंच जाते हैं, हमें पता लगता है कि हमें एक और टिकट यहां पे काटना पड़ेगा, जो कि मुझे काफ़ी अजीब लगा क्योंकि हम ऑलरेडी ऊपर टिकट काट चुके हैं और यहां पहुंचते ही एक और टिकट काटना पड़ा. अब मैं कंफ्यूज हो गया था कि ये स्कैम है कि क्या है. या दिस इज हाउ इट गोज विद टूरिस्ट. वाओ, ओ गॉड, सच हाय.
वाटरफॉल को क्या हो गया भैया, what an amazing view man. तो गाइस आ चुके हैं सबसे फेमस स्पॉट में तंपक सिव वाटरफॉल, कुछ ऐसा दिखता है तंपक सिव वाटरफॉल। और यहाँ पे भीड़ मेरे भाई कितना ज़्यादा आप सोच नहीं सकते हो, कोई पिक्चर खींचने के लिए इतना सारा भीड़ होगा किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ये देखिए ये सब आदमी फोटो खींचने के लिए बैठा हुआ है यहाँ पे जितना भी है। तो गाइस वाटरफॉल तो पहुंच गए हैं, तो चलिए अब ड्रोन शॉट का मजा लेते हैं। तो गाइस सच में आप कह सकते हैं क्यों इसे इंडोनेशिया का सबसे खूबसूरत वाटरफॉल कहा जाता है। Look at this. इतने सारे लोग। इस वाटरफॉल को एंजॉय करने के लिए आए हैं। Oh my God. तो इस खूबसूरत मंजिल को देखने के लिए काफ़ी लोग आते हैं, और लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पे लोग फ़ोटो खींचने के लिए सबसे ज़्यादा आते हैं, और यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी सारे क्यू लगे हुए हैं खासकर फ़ोटो खींचने के लिए। कोई ऊपर पे लगा हुआ है फ़ोटो खींचने के लिए, कोई नीचे पर, और ये जी लास्ट स्पॉट, और यहाँ पर भी फ़ोटो खींचने के लिए। तो अगर आप यहाँ पर आते हो तो ये सब चीज़ आपको झेलना पड़ेगा और इस खूबसूरत नज़ारे को भी इंजॉय करना पड़ेगा। तो गाइस ये है तंपक सिव वाटरफॉल जो कि इंडोनेशिया का सबसे खूबसूरत वाटरफॉल है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए।